एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ सुमित सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ, उसके बाद आपको दिखाएंगे जिले की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए हेडलाइन पर नजर डालते हैं। शाहजहांपुर में आज से शुरू हुई बोर्ड परीक्षाएं, कड़ी निगरानी में हो रही बोर्ड की परीक्षाएं। परीक्षा कक्ष से लेकर कंट्रोल रूम तक की जा रही है सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी। परीक्षा देने जा रहे छात्र हुए सड़क हादसे का शिकार। मिर्जापुर में बेकाबू बोलेरो ने बाइक सवार छात्रों को मारी टक्कर। हादसे में 3 छात्र घायल, घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। बहन का तिलक चढ़ाकर आ रहे युवक को बाइक ने मारी जोरदार टक्कर। टक्कर लगने से युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, घायल का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। विद्युत संविदा कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार जारी। धरना दे रहे कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष, बोले जब तक न्याय नहीं मिलेगा समाजवादी पार्टी कर्मचारी के साथ खड़ी रहेगी। 20 फरवरी को जिले के सभी ब्लॉकों पर होगा रोजगार शिविर का आयोजन। SIS इंडिया लिमिटेड कंपनी देगी बेरोजगार युवकों को रोजगार। सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर की जाएगी नियुक्ति। बोर्ड परीक्षा के लिए राजकीय इंटर कॉलेज में बनाए गए कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने के लिए आज ADM पहुंचे और कंट्रोल रूम में व्यवस्थाओं को देखा। साथ ही इस दौरान विद्यालयों में लगे कैमरों की स्थिति को भी देखा। आपको बता दें कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए कुल 129 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इसके बाद ADM ने इस्लामिया इंटर कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र का भी निरीक्षण किया। यहां व्यवस्था ठीक ठाक पाई गई। 10वीं की परीक्षा देने जा रहे छात्रों को बेकाबू बोलेरो ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से 3 छात्र घायल हुए हैं, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। 3 घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना मिर्जापुर थाना क्षेत्र की है। यहाँ उदयपुर भूड़ा का रहने वाला नदीम तौसीफ और उसका एक साथी मोटरसाइकिल पर सवार होकर परीक्षा देने जा रहे थे। उसी दौरान मिर्जापुर थाने के पास बेकाबू बोलेरो ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। आज से बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। तिलहर में भी आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा कराई गई। आपको बता दें कि परीक्षा को संपन्न कराने के लिए परीक्षा कक्षों को CCTV कैमरों से लैस किया गया है। पिछले कई दिनों से चल रहा विद्युत संविदा कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष तनवीर खां पहुंचे। आपको बता दें कि अधीक्षण अभियंता कार्यालय में विद्युत संविदा कर्मचारी पिछले 3-4 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि पिछले 3 महीने का वेतन बकाया है और 10 महीने का EPF उनको नहीं मिला है, जिसके चलते वह आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। वहीं आज सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष तनवीर खां पहुंचे और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी संविदा कर्मचारियों के साथ खड़ी है और उनका हक जरूर दिलाया जाएगा। बहन का तिलक चढ़ाकर आ रहे युवक को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। घटना थाना शेरामऊ दक्षिणी क्षेत्र के हाईवे की है, जहां ध्रुव ढाबे के पास दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से राम गोपाल और उसका भाई घायल हुआ है। घायल युवक सिंगराहा गांव का रहने वाला है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गायत्री परिवार द्वारा आयोजित कराई गई संस्कृति ज्ञान परीक्षा बंडा के कृष्ण गोपाल ने देश भर में 2रा स्थान हासिल किया है। इस परीक्षा में देश के लगभग 29,000 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। तो वहीं बंडा के गुरु तेग बहादुर स्कूल के छात्र कृष्ण गोपाल ने भी परीक्षा में प्रतिभाग किया और कृष्ण गोपाल ने देश भर में 2रा स्थान हासिल किया। विद्यालय के डायरेक्टर जसवीर सिंह के साथ साथ पूरे शिक्षक शिक्षिकाओं ने कहा कि ये गौरव की बात है और हम बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि कृष्ण गोपाल के पिता शिव गोपाल तिवारी पत्रकार हैं। ससुराल में गए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मऊत हो गई। मामला थाना शेरामऊ दक्षिणी का है। यहां साली की शादी में आए पवन कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पवन शेरामऊ दक्षिणी थाना के
गांव का रहने वाला है, जो कि 12 फरवरी को अपनी ससुराल शादी समारोह में शामिल होने गया था, जहां कल उसकी मौत हो गई। फिलहाल सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा हर घर ध्यान अभियान का आयोजन किया जा रहा है। यह संस्था आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर अभियान चला रही है। आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षक और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने उच्च प्राथमिक विद्यालय बगिया में बच्चों को ध्यान करना सिखाया और इसके साथ साथ स्वच्छता और जल संरक्षण के विषय में भी जागरूक किया। धर्मेंद्र शर्मा ने आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर के हेल्थ एंड हैप्पीनेस के गुण सिखाए। शाहजहांपुर पुलिस ने धरपकड़ अभियान चलाकर 38 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में कच्ची शराब और तमंचे कारतूस बरामद हुए। इस दौरान पुलिस ने 15 वांछित अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया, जो लंबे समय से फरार चल रहे थे। सभी अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रामगंगा नदी पर कोलाघाट पेंटूल पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते यातायात बाधित हो गया और पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। यहां करीब 2 से 3 घंटे की मरम्मत के बाद पुल को शुरू कर दिया गया, जिसके बाद यातायात सुचारू रूप से शुरू हो गया है। आगामी त्यौहार को लेकर आज निगोही में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इसमें सभी धर्मों के धर्म गुरु, ग्राम प्रधान के साथ साथ अन्य जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार लोग शामिल हुए। इस दौरान थाना अध्यक्ष रविंद्र सिंह सोलंकी ने आह्वान किया कि कानून व्यवस्था को बनाए रखें और आगामी त्यौहार होली को आपसी मेलजोल और सद्भाव के साथ मनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि त्यौहार के मौके पर कोई नई परंपरा न डालें। कलेक्ट्रेट सभागार में आज बैंक जिला स्तरीय सलाहकार समिति और डीसीसी डीएलआरसी की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बैंकों के माध्यम से चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और निर्देश दिए कि बैंकों द्वारा लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया जाए। शाहजहांपुर में आज 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हो गई है। जिले में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में 129 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 45,000 छात्र छात्राएं हाई स्कूल की परीक्षा दे रही हैं और 38,000 छात्र छात्राएं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं। नकल विहीन परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। पुआया सीओ के फॉलोअर दीपक शर्मा बाइक से गिरकर घायल हुए हैं। घटना उस वक्त हुई जब दीपक शाहजहांपुर से पुआए की ओर जा रहे थे, तभी सिंधौली थाना क्षेत्र में हाईवे पर उनकी बाइक के सामने अचानक एक कुत्ता आ गया। कुत्ते को बचाने के चक्कर में दीपक की बाइक अनियंत्रित हो गई, जिसमें शरीर पर कई चोटें आई हैं। फिलहाल आनन-फानन में दीपक को जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। शाहजहांपुर में 19 फरवरी को आयोजित होने वाली जिला पंचायत की बैठक अब 18 मार्च को आयोजित होगी। यह जानकारी अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत रामवीर सिंह यादव ने दी। उन्होंने बताया कि किन्हीं कारणों के चलते बैठक को 1 महीने के लिए टाल दिया गया। अब यह बैठक 19 मार्च को आयोजित होगी। 20 फरवरी को जिले के सभी विकास खंड मुख्यालयों पर SIS इंडिया लिमिटेड की ओर से बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। यह जानकारी मुख्य विकास अधिकारी यशवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि SIS इंडिया लिमिटेड भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है और विदेशों में भी सुरक्षा प्रदान कर रही है। इस शिविर में सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाएगी। कंपोजिट विद्यालय सालपुर मीरानपुर कटरा में चल रहा 2 दिवसीय योग शिविर का आज समापन हो गया। आपको बता दें कि यहां योग प्रशिक्षक शिवनाथ पाल छात्र छात्राओं को योगाभास करा रहे थे। इस दौरान ये भी बताया कि आम जिंदगी में योग का कितना महत्व है।